हाल ही में कानून मंत्रालय ने पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इससे पहले कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने देश भर में सुप्रीम कोर्ट के लिए क्षेत्रीय पीठों का प्रस्ताव रखा था। हालांकि शीर्ष अदालत ने चल रहे कानूनी विचारों का हवाला देते हुए लगातार इस धारणा का विरोध किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें क्या हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें न्यायिक प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित शीर्ष अदालत की प्रस्तावित शाखाएं हैं। अब समझना भी आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों के समक्ष 80,000 से अधिक मामले समाधान की प्रतीक्षा में हैं। बैकलॉग को संबोधित करने और मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता है। क्षेत्रीय पीठें देश भर में कार्यभार को अधिक समान रूप से वितरित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे दिल्ली में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय पर बोझ कम हो सकता है। क्षेत्रीय पीठ देश के विभिन्न हिस्सों के वादियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार कर सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी कार्यवाही के लिए दिल्ली जाने में चुनौतियों का सामना करते हैं। क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से देश भर में कानूनी बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञता के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। स्थानीय कानूनी पेशेवरों को सशक्त बनाया जा सकता है और बार का लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है। क्षेत्रीय पीठों के कानूनी विशेषज्ञों के विभिन्न दृष्टिकोण को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे किसी अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्ति कर सकते हैं, तथा 229वीं विधि आयोग की रिपोर्ट 2009 ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से गैर संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 4 क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की सिफारिश की। इसके अलावा जुलाई 2021 में दक्षिणी भारत में बार काउंसिल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए क्षेत्र में एक सुप्रीम कोर्ट बेंच की स्थापना की वकालत की गई। इन सब के बावजूद यह गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट को बुलाने का समर्थन नहीं किया है। यह चिंता व्यक्त करते हुए कि क्षेत्रीय पीठें संभावित रूप से शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के विरुद्ध दिए जाने तर्क को भी जानना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि क्षेत्रीय पीठें कानूनों और कानूनी सिद्धांतों की अलग अलग व्याख्याओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिक निर्णयों में विसंगतियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI KG बालाकृष्णन ने कहा था कि क्षेत्रीय पीठें संस्था के विघटन का कारण बन सकती हैं। क्षेत्रीय पीठों में न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों या राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में चिंताएं मौजूद हैं, विशेष रूप से मजबूत स्थानीय हितों या राजनीतिक दबाव वाले क्षेत्रों में। क्षेत्रीय पीठों की स्थापना और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों और बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता होगी, जो पहले से ही सीमित न्यायिक बजट और संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। क्षेत्रीय पीठें सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय प्राधिकार पर प्रभाव डाल सकती हैं या उसे कमजोर कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से इसका राष्ट्रीय कद और प्रभाव कम हो सकता है। विशिष्ट मामलों के लिए किस पीठ के पास जाना है, इसके बारे में भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे कानूनी प्रणाली में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। तो आगे क्या किया जाना चाहिए? विधि आयोग की अनुशंसा के अनुसार क्षेत्रीय पीठों के बजाय एक अलग अपील न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। क्षेत्रीय शाखाओं की आवश्यकता को कम करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार की गई याचिकाओं की जांच करने के लिए उच्च न्यायालयों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। लंबित मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाएं और छुट्टियों की अवधि कम करें। न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए
उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों सहित मौजूदा न्यायिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दें, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कोर्ट रूम जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाएं। दुनिया भर के कई देशों ने कैसेशन न्यायालयों की स्थापना की है, किसी मामले को रद्द करने या बदलने हेतु, जो निचले स्तर की अदालतों से गैर संवैधानिक विवादों और अपीलों से जुड़े मामलों का फैसला करते हैं। ये अंतिम उपाय की अदालतें हैं जिनके पास निचली अदालतों के फैसलों को पलटने की शक्ति है।